क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता। ये उज्जैन रेप कांड के आरोपी का पिता है। जिस रेप कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, उस कांड के आरोपी का पिता भी रो रहा है। वो कह रहा है कि कोई पिता अपने बेटे को ऐसा नहीं सिखाता। वो बता रहा है कि शर्म के मारे वो कहीं निकल नहीं पा रहा। वो रो रहा है अपने बेटे की करतूत पर। वो कह रहा है कि आरोपी बेटे को ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। आज तूने करा या नहीं करा, उनको तो मुंह छुपाने तरीके से गया, किसी से बात करने के नहीं, कहीं जाने के लिए दूध लेने नहीं गया मैं आज, शर्म के मारी कि वो 10 जनों में मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने आज, घर पे बैठा। कल से रोटी नहीं खाई, आज 1.5 रोटी खाई मैंने। मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं भाई साहब, हम बहुत ज्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते। उधर आरोपी घायल है और उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस अफसरों की माने तो कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। माननीय न्यायालय के समक्ष आज हमने पेश किया है, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा अभी इसकी से पूछताछ करना संभव नहीं बताया गया है और इसको MYH इंदौर रेफर किया है, तो अभी हम इसको इंदौर रेफर कराएंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सारे हालात अर्जित कर उनसे जुडिशियल रिमांड जो है 7 दिवस का प्राप्त किया है। जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा वैसे ही हम इसको पुलिस रिमांड लेंगे और फिर तत्पश्चात आगे कार्रवाई पूरी करेंगे। तो कहां लेके उसने माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि वो जिस समय वहाँ नक्शा मौका बनाने गया था, उसी समय मौका पाके भागने का प्रयास किया और वो वहाँ सीमेंट रोड पर गिर पड़ा, से उसको जो चोटें आई हैं उसने वहाँ स्वीकार किया है। सर अभी जैसे आपने बताया कि 7 दिन का उसको रिमांड मांगा गया, तो क्या 7 दिन अस्पताल के अंदर ही उसका इलाज होगा उसके दौरान? हाँ, ये एक छोटी सी सर्जरी होगी उसकी, जिसमें वो हड्डी जोड़ देंगे और प्लास्टर कर देंगे। उसके बाद हम उसको जैसे ही वो नॉर्मल होगा 2 से 5 दिन में, तो हम उसको वापस ला करके यहाँ उसका रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड में जो हमारी शेष कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। आपको बता दें कि उज्जैन में लड़की के साथ हुई रेप की वारदात ने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि पुलिस ने तत्काल आरोपी को धर दबोचा और जांच के दौरान वो भागने लगा तो गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी एक ऑटो ड्राइवर है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, MP तक।